मंडी जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने समाज को संदेश देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक नाटिका शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा बेटियों की जन्म दर बढ़ाने तथा उनके कल्याण व उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिसमें मेरी लाडली व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की बेटियों के प्रति सोच बदलने के लिए पड्डल मैदान में लगभग 400 महिलाओं द्वारा सामूहिक नाटी व मानव श्रृंखला के माध्यम से मेरी लाडली तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो बनाकर समाज को संदेश दिया गया कि बेटियों की सुरक्षा व उनकी शिक्षा तथा उनका उत्थान हम सब की जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने मेला स्थल पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया, जिसमें 22 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानवता की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में समाज के उत्थान में युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा में अपना योगदान देने के लिए युवाओं को रेडक्रॉस गतिविधियों से जोड़ने के लिए पूरा जिला में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें बच्चों को चरणबद्ध तरीके से रेडक्रॉस गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर युवा ये प्रतिज्ञा ले कि समाज के उत्थान व मानवता की सेवा कैसे ज्यादा से ज्यादा की जाए, इस बारे में वे प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस ऐसी संस्था है जो कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के अतिरिक्त गरीब असहाय तथा जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और जब बच्चों को हम यंग एज में जोड़ेंगे तो आगे बढ़कर हमारे समाज में ये बच्चे और ज्यादा काम करेंगे। जो रेडक्रॉस के प्रिंसिपल्स हैं, जो एडीसी साहब ने विस्तृत में बताया कि जितने प्रिंसिपल्स हैं, आपको याद हो गए सबको बच्चे को कि क्या प्रिंसिपल्स एडीसी साहब ने बताए। अगर नहीं याद है आपको तो आपके जो टोपी आप पहन रखी है उसमें भी वो आप निकाल के देखें, उसी में भी जो है वो प्रिंसिपल्स रेडक्रॉस के दर्शाए गए हैं। और ये ऐसी संस्था है जिसमें जो यूनिटी की बात की कि एकमात्र संस्था है, जिला में एकमात्र संस्था होगी, प्रदेश में एकमात्र संस्था होगी, दो संस्था तीन संस्था इस तरह से नहीं है। ये जरूर है कि एनजीओस के माध्यम से, बाकी संस्थाओं के माध्यम से रेडक्रॉस के अंतर्गत जितनी गतिविधियां कर रहे हैं वो उस प्रकार की गतियां वो भी करते हैं, पर रेडक्रॉस वन एंड ओनली रेडक्रॉस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे।